इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। होली के दिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा बवाल हो गया है और गुरुद्वारे के बाहर पुलिस पर सैकड़ों की भीड़ ने तलवार से हमला बोल दिया है। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 60 आरोपियों के खिलाफ नामजद और 350 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। IPC की धारा 307, दंगा फैलाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। नांदेड़ में कल पुलिस ने गुरुद्वारे के बाहर जुलूस ना निकालने को कहा था और पुलिस ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जुलूस ना निकालने की बात कही थी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। अब पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई और क्यों वहां पर हालात बिगड़ गए, क्योंकि गुरुद्वारे के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पुलिस और सैकड़ों की भीड़ ने तलवार से हमला बोल दिया था। मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 60 आरोपियों के खिलाफ नामजद और 350 अज्ञात के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल पुलिस वालों को गुरुद्वारे के बाहर जुलूस रोकना किस तरह से महंगा पड़ा, तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसी दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरें आपके सामने है। इसी भीड़ में कई लोगों के हाथों में तलवारें थी और इन्हीं तलवारों से वार किया जा रहा था। दरअसल पुलिस ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जुलूस के लिए परमिशन नहीं दी थी और गुरुद्वारे के बाहर बैरिकेडिंग भी थी, लेकिन शाम होते होते भीड़ को गुस्सा आ गया और पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। अफरा तफरी का माहौल इसी तरह से रहा और लोग भागते हुए नजर आए। लेकिन ये गुरुद्वारे के उस हिस्से की तस्वीर आपके सामने है जहां पहले से ही गेट को बंद कर दिया गया था और बैरिकेडिंग भी थी, लेकिन अंदर जो लोगों की भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। हाथों में तलवार लेकर सीधे बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों पर वार शुरू कर दिए। 8 पुलिस वाले इस हमले में घायल हुए हैं। 350 से ज्यादा लोग थे इस भीड़ में और पुलिस ने 18 आरोपियों को इस बीच अरेस्ट भी किया है। बाकियों की तलाश जारी है। 350 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नांदेड़ में पुलिस के खिलाफ तलवारें निकलने के पीछे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना रहा और पुलिस ने गुरुद्वारे के बाहर बैरिकेडिंग कैसे की हुई थी, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बैरिकेडिंग इसलिए की गई थी ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके और इस बात को लेकर भीड़ को गुस्सा आ गया। 350 से ज्यादा लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में तलवारें हैं। हमले में 8 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हमलावरों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक फिलहाल 60 लोगों के खिलाफ नामजद और 350 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं 18 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ने भी उनको समझाने की कोशिश की तो वो एक नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस के कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। हाँ, बैरिकेड्स को बाजू करते हुए ट्रेडिशनल रूट से उन्होंने हल्ला बोल निकाला है। इसके ऊपर IPC के धारा, अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायोलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। हम आरोपी निष्पन्न करेंगे और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।